बिग बॉस फेम अभिनेत्री दलजीत कौर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने पति निखिल पटेल के खिलाफ कई बातें लिखी थीं। दलजीत कौर ने एक पोस्ट किया था जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। उस पोस्ट में दलजीत कौर ने लिखा था कि उनके पति उनके साथ अपनी शादी को शादी नहीं मानते हैं। हालांकि दलजीत के तमाम आरोपों पर अब निखिल पटेल ने चुप्पी तोड़ी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। निखिल पटेल ने अपने अलगाव के संबंध में दलजीत कौर द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के बारे में बताया है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान इसमें शामिल सभी पक्षों को स्पष्टता प्रदान करने और सम्मान बनाए रखने की गुजारिश की है। इस साल जनवरी में दलजीत ने अपने बेटे जेडन के साथ केन्या छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया, जिसके कारण उनका अलगाव हो गया। यह निर्णय तब लिया गया जब निखिल और दलजीत दोनों को एहसास हुआ कि उनके परिवार की नींव उतनी मजबूत नहीं है जितनी उन्हें उम्मीद थी, जिससे दलजीत के लिए केन्या में बसना मुश्किल हो गया। निखिल स्वीकार करते हैं कि मिश्रित परिवार की अवधारणा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर उन संस्कृतियों में जहां इसका चलन में नहीं है। सांस्कृतिक टकराव और मान्यताओं के कारण यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। निखिल ने बताया कि उनकी बेटियों की एक माँ है जो उनके बीच रिश्ते की स्थिति की परवाह किए बिना साथ खड़ी रहती थी। निखिल दलजीत कौर को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करता है कि उसे खुशी और शांति मिलेगी। वह विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस दौरान उनके परिवारों और दोस्तों का सम्मान किया जाए, जिससे सभी को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। निखिल ने कहा, मैंने हमेशा स्पष्टता और सम्मान के साथ गलतफहमियों को दूर करने में विश्वास किया है। मैं दिल से दलजीत को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकें।